एक्सीडेंट दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके से दुर्घटनाएं कैसे हो सकती हैं इसके बारे में सोचिए तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि पहला तरीका तो वो होता है जिसमें आपकी कोई गलती ना हो। मान लीजिए किसी ने शराब पी रखी है और वो आकर आपकी गाड़ी को ठोक देता है, आपको धक्का मार देता है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। किसी और की गलती थी, उसने नशे की हालत में गाड़ी चलाने की कोशिश की और आपको धक्का मार दिया। आपके हाथ में खास कुछ होता ही नहीं है, पीछे से आकर धक्का मार दे, ठोक दे आपकी गाड़ी को, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक दूसरा तरीका भी होता है, दूसरे तरीके में 100% आपकी खुद की गलती होती है। अभी के लिए जैसे मान लीजिए जाड़े का मौसम है, सबको पता है कि अक्सर सुबह कोहरा होता है। ऐसे में अगर हम कहें कि भैया हमें तो सुबह 6 बजे उठकर बाइक लेके हाईवे पे निकल जाना है और वहां भी गाड़ी 60 की स्पीड से चलानी है, भैया विजिबिलिटी 10 मीटर की भी नहीं थी और हम 60 की स्पीड से गाड़ी चलाने पर तुले हों, तो क्या होगा? 100% मेरी ही गलती है, एक्सीडेंट तो होगा ही। तो आज सुबह मेरे साथ भी ऐसी ही घटना हुई। हुआ यूं कि हमारे एक मित्र को हमने बता दिया कि एक मशहूर इनामी पक्षकार का वीडियो हमने कभी देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि उनका चैनल कौन सा है। ये सुनते ही उन्होंने हमें व्हाट्सएप पर, आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हो गए हैं वो इनामी पक्षकार भी, हालांकि हमेशा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को गालियां देते रहे हैं, तो खैर अब व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास उनका एक वीडियो आ गया और वीडियो हमने देखना शुरू कर दिया। वीडियो था जिसमें वो कहीं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में किताबें देख रहे हैं, रबिश किताबों के बीच। तो भैया जैसे ही ये वीडियो शुरू होता है वैसे ही हमारे जो इनामी पक्षकार महोदय हैं वो किताबें दिखानी शुरू करते हैं, अपनी किताबें भी दिखाते हैं। अपनी किताबों के बारे में जैसे ही वो दिखाने के लिए पहुंचते हैं तो आपको तो पता है कि वो हिंदी में बात करते हैं, काफी शुद्ध काफी परिष्कृत सी हिंदी है। बिहार के लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिहार के लोगों के लिए ऐसी हिंदी आम है, बिल्कुल हम लोग ऐसी भाषा में बात करते हैं आपस में। जैसे ही वो किताबें दिखाते हैं तो आप पाएंगे कि किताबें जो वो दिखा रहे हैं हिंदी पट्टी के होने के बाद भी वो जब अपनी किताबें दिखाते हैं तो वो किताबें हिंदी में नहीं होती, किताबों का अंग्रेजी अनुवाद होता है। यहां तक कि उनकी जो मशहूर किताब है इश्क में शहर होना, उसका भी अंग्रेजी अनुवाद वहां रखा था, पता नहीं क्यों। मतलब हिंदी वालों से ऐसी कोई घृणा होगी उनको, ऐसा हम नहीं कह रहे, या अंग्रेजी में अपनी किताबें दिखाकर अपने आप को एलीट साबित करना चाहते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही, मगर जो भी हो किताबें अंग्रेजी में दिखाते हैं। वहां से आगे बढ़ के वो इतिहास की बात करने लगते हैं और बताने लगते हैं कि कैसे इतिहास नहीं पढ़ा जाता और इल्जाम लगाया जाता है कि इतिहास कुछ खास लोगों को छुपा देता है, कुछ खास लोगों को नायक बना के पेश करता है। इसके बारे में वो कहना शुरू करते हैं कि इतिहास जो है वो हमेशा से व्यक्तियों का लिखा जाता रहा है। तो भैया भारत में जब आप देखेंगे तो इतिहास कभी भी व्यक्ति का इतिहास नहीं रहा है। इतिहास के जो ग्रंथ हमें बताए जाते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग लें तो महाभारत को इतिहास कहा जाता है। अब महाभारत को जब आप देखेंगे तो कौरव पांडव की कहानी महाभारत नहीं होती। आज के दौर में जब आप टीवी पर देखते हैं तो क्या बदलाव आता है, आप इससे भी ये समझ सकते हैं। फिरंगियों का जो अंग्रेजों का सिस्टम था उसमें राजधानी और राजा पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। आम आदमी उस समय क्या कर रहा था, बाकी पूरे देश में क्या चल रहा था इस पर जोर नहीं दिया जाता, और इसकी वजह से आज जब हम लोग इतिहास देखते हैं तो वो अक्सर राजधानी का और राजा का इतिहास होता है। मतलब आपको दिल्ली का इतिहास तो नजर आएगा, असम का, कश्मीर का, कन्याकुमारी का इतिहास आपको नजर नहीं आएगा। तो यहां भी वही होता है, जब हम लोग महाभारत की बात करते हैं जैसे उदाहरण के तौर पे, तो महाभारत में आप देखेंगे कि इतिहास जो शुरू होता है वो शुरू कहां से होता है, तो वो किसी राजा रानी की कहानी से शुरू नहीं हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे उग्रश्रवा नाम के एक सूत आए हुए हैं और उग्रश्रवा नाम के इस सूत को, काफी जातिवाद की बातें जब की जाती हैं महाभारत के बारे में, तो कहा जाता है कि कर्ण को सूत पुत्र होने की वजह से बड़ा दुत्कार आ गया, बड़ा नाकार आ गया। लेकिन आप पाएंगे कि उग्रश्रवा खुद सूत थे और वो कहानी सुना रहे होते हैं महाभारत की, और वो महाभारत की कहानी कोई कौरवों पांडवों पर शुरू नहीं होती, कौरवों पांडवों से काफी पीछे जाकर वो ययाति वगैरह तक जाती है, मतलब कई पीढ़ी पीछे तक जाती है। जिनको वो सुना रहे होते कहानी वो लोग जंजे वगैरह जो होते हैं और दूसरे राजा वगैरह वहां जो मौजूद होते हैं वो भी कौरव पांडव की पीढ़ी के नहीं थे। कौरव पांडव की पीढ़ी जो थी वो खत्म हो चुकी है, उसके बाद अभिमन्यु की पीढ़ी जो थी वो खत्म हो चुकी है, अभिमन्यु के बाद परीक्षित की जो पीढ़ी थी वो भी खत्म हो चुकी है,
परीक्षित के आगे जंजय की पीढ़ी आती है, तो वहां पर वो कहानी सुना रहे होते थे। मतलब जिसको आप मुख्य पात्र मानते हैं महाभारत का, वो मुख्य पात्र होते ही नहीं असली महाभारत में, वो लोग कहीं गौण होते हैं। जिन लोगों की कहानी ये सुना रहे होते हैं वो सबके सब भृगु वंश के ऋषि होते हैं। अब भृगु वंश के ऋषि में फिर से आपको यहां ये समझना होगा कि वंश जो होता है यहां पे, ये परिवार की बात नहीं हो रही। भृगु वंश के ऋषि जब हम लोग कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि गुरु शिष्य परंपरा से जो एक भृगु ऋषि थे उनके शिष्य, फिर उनके शिष्यों के शिष्य, और इस तरह करके आगे जो बहुत सारे शिष्य हुए उनकी कहानी चल रही होती थी। और भृगु वंश के जो ये ऋषि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते थे, पूरे रास्ते में इन्होंने क्या देखा, वहां पे राजकाज कैसा चल रहा था, वहां आम आदमी का जीवन कैसा था, वहां आर्थिक व्यवस्था क्या थी, सामाजिक व्यवस्था क्या थी, आध्यात्मिक स्तर पर क्या चल रहा था, इन सब की जो बातचीत हो रही होती है उसको इस पूरी कहानी में दिखाया गया है। तो मूल महाभारत जो होती है उसमें किसी एक व्यक्ति या किसी एक राजा की कहानी होती ही नहीं। जबकि आज की तारीख में जब इतिहास लिखने का तरीका ब्रिटिश प्रभाव के कारण, कुछ कुछ मैकले मॉडल के एजुकेशन सिस्टम के कारण बदल चुका है, तो आप पाएंगे कि अब जब बताया जाता है तो हस्तिनापुर और उसके राजाओं यानी कि कौरवों पांडवों की कहानी ये हो जाती है। इतने पे ही आपको कहानी सुनाई देती है, इतने पे ही आपकी कहानी समाप्त हो जाती है। जबकि ययाति जैसे नाम आपको आसानी से इसलिए याद आ जाएंगे क्योंकि ययाति पे एक बड़ा ही प्रसिद्ध सा उपन्यास लिखा गया है। जंजय वगैरह पे उतने प्रसिद्ध उपन्यास लिखे नहीं गए, इसीलिए जंजय का नाम आपको उतनी आसानी से याद नहीं आता। यहीं पर आप गौर करेंगे बिल्कुल शुरुआती हिस्से पे, महाभारत में आपको कोई बहुत आगे भी नहीं जाना, शुरुआत का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको तीन शिष्यों की कहानी दिखेगी जो एक रानी से कुंडल मांगने के लिए जा रहा होता है। रास्ते में कई लोगों से वो जो मिलता हुआ जाता है तो उसकी कहानी बताई जा रही होती है। ये कोई बहुत बड़ा पात्र है भी नहीं महाभारत का, ये बहुत साधारण सा, बहुत छोटा सा पात्र है। और ये जो कुंडल मांगने के लिए जा रहा होता है अपने गुरु को दक्षिणा में देने के लिए, उसकी कहानी से ये बातें सारी शुरू हो रही होती हैं। यहीं पर यज्ञ की जो कहानी हो रही होती है, इस यज्ञ की कहानी में ही शर्मा नाम की एक कुतिया की कहानी सुनाई जा रही होती है। जी हाँ, मनुष्य भी नहीं है वो, राजा तो छोड़ दीजिए, वो कुतिया है। और वो कह रही होती है कि मेरे बेटे को, यानी एक कुत्ते का बच्चा वहां पे आ गया होता है और उसे मारपीट कर लोगों ने भगा दिया होता है, तो वो कह रही होती है कि भाई ठीक है कुत्ता था लेकिन उसने आपके यज्ञ को किस तरह से नष्ट तो किया नहीं था, कोई नुकसान तो किया नहीं था, फिर आपने उसको बेकार ही क्यों पीट दिया। तो पशुओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, पशुओं को कैसे ट्रीट करना चाहिए, उसके बारे में भी यहां महाभारत में शुरुआत में ही चर्चा हो जाती है। इसलिए ये कहना कि इतिहास, हमारा इतिहास जो था, विदेशियों वाला इतिहास नहीं, हमारा इतिहास जो था वो किसी राजा महाराजा की कहानी थी, ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। ये बदला कैसे है ये भी थोड़ी ही देर में आपको वीडियो में नजर आ जाएगा। तो हमारे जो इनामी पक्षकार महोदय होते हैं वो थोड़ा आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो आपको नजर आएगा कि वो ऐसे लेखकों की किताबें दिखा रहे हैं जिन्होंने व्हाइट मुगल लिखी है। अब व्हाइट मुगल किसकी कहानी है, तो भैया मुगल कौन थे, राजा थे, कहां के थे, दिल्ली के थे, भैया ललितादित्य भी तो होते थे। अब ललितादित्य कश्मीर के थे तो उनका नाम क्यों नहीं आया, उनके नाम की लिखी हुई किताबें क्यों नहीं दिखी। तो ये जो नाम थे वो इतिहास ने दबा दिए हैं। ये अगर कोई कह रहा है तो कोई बहुत ज्यादा गलत नहीं कह रहा। अगर अहोम राजवंश की हम लोग बात करें तो काफी लंबे समय तक चला था अहोम राजवंश, जो 150 साल का पीरियड होता है मुगलों का, उसकी तुलना में अहोम राजवंश 600 साल से ऊपर चला। लेकिन अगर आप कहेंगे कि भैया अहोम राजवंश के 5 राजाओं का नाम बता दो, तो जिन्होंने इतिहास पढ़ा भी है, जो इतिहास के छात्र रहे भी हैं, उन्हें भी 5 नाम बिना गूगल का इस्तेमाल किए गिनवाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह अगर आप चोल साम्राज्य की बात करें तो राजराज चोल, राजेंद्र चोल वगैरह तो आपको नाम याद आएंगे, लेकिन वहां भी अगर आप कहेंगे कि 5-7 राजाओं के नाम गिना दो, तो जितनी आसानी से आप अकबर का फिर पीछे की तरफ जाएं तो बाबर, आगे की तरफ जाएं तो आपको शाहजहां, हुमायूं और औरंगजेब तक के नाम याद आ जाते हैं, वैसे आपको कोई नाम आपको याद नहीं आएंगे। अच्छा, यहां भी एक मजेदार चीज आपको यह नजर आएगी कि आपको बहादुर शाह जफर तक का जो नाम याद आता है, तो बहादुर शाह जफर जो होते थे वो 13वीं पीढ़ी के बाद के थे। मतलब अगर आप गिनती करें कि औरंगजेब और बहादुर शाह जफर के बीच में कितनी पीढ़ियां मुगलों की निकल गई, तो करीब करीब 13 पीढ़ियां निकल जाती है। तो आपको कितना लंबा ड्यूरेशन याद है
इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए। और उतना लंबा ड्यूरेशन आपको अहोम राजवंश का क्यों नहीं याद है, ललितादित्य का क्यों नहीं याद है, चोल साम्राज्य का क्यों नहीं याद है, ये सोचेंगे आप जैसे ही, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सचमुच कुछ ना कुछ तो दबाया गया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो किसी राणा सफवी की किताबें हैं, और वो हमेशा दिल्ली पर लिख रहे होते हैं या लिख रही होती हैं, पुरुष हैं या स्त्री हैं मुझे पता नहीं है। तो दिल्ली पर आपको किताबें यहां पर नजर आती हैं, यहां पर आपको चेन्नई पर लिखी हुई किताबें नजर नहीं आती हैं, जबकि चेन्नई भी एक शहर के तौर पर कभी ना कभी बना होगा, बसा होगा। और आज की तारीख में अगर आप देखें चेन्नई को, तो चेन्नई इतना बदल चुका है कि दक्षिण भारत में समुद्र के इतने पास के इलाके में बाढ़ आ रही होती है। कितनी विचित्र बात है भैया, समुद्र के बिल्कुल बगल में कोई जगह हो और वहां पे बाढ़ आ जाए, तो इतने सालों में कुछ ना कुछ तो बदला होगा ना। उन सारे बदलावों के बारे में किताबें लिखी जा सकती थी, लेकिन किसी ने चेन्नई के बारे में किताबें नहीं लिखी हैं, दिल्ली के बारे में लिखी हैं। तो जो अंतर होता है कि कुछ हिस्सों को इतिहास जो है वो छोड़ देता है, कुछ हिस्सों को इतिहास जो है वो पकड़ के रखता है, या इतिहासकार जो है हमारे वो पकड़ के रखते हैं, ये चीज आपको यहां से नजर आ जाएगी। यहां से जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो वो एक किताब उठाते हैं, और ये किताब जैसे ही हमारे इनामी पक्षकार महोदय जो है वो उठाते हैं, तो वैसे ही मेरी समझ में आ जाता है कि लगता है कि किताबें आजकल वो थोड़ी कम पढ़ रहे हैं। आगे वो स्वीकारते भी हैं, जब एक किताब रेत समाधि जब वो उठाते हैं तो वो एक दूसरी किताब वहीं पर माई नाम की है, माई नाम की किताब उठा करके वो दिखाते हैं और बताते हैं कि ये किताब मेरे पास है मगर मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है। तो जब ये स्वीकार करते हैं, तो इसके साथ ही मैं बता दूं कि मेरे जैसे लोगों को समझ लीजिए, मैं कोई बहुत नामी कोई बहुत चर्चित हस्ती तो हूं नहीं, लेकिन मेरे जैसे लोगों को भी किताबें सारी मुफ्त में आ जाती हैं। सारी मुफ्त में आ जाती हैं कहने का ये मतलब नहीं कि हर एक किताब जो छपी वो मुफ्त में आ ही जाएंगी, लेकिन जो भी चर्चित किताबें होती हैं वो प्रकाशन की ओर से हमें भेज दी जाती हैं, इनिशियल रिव्यू जिसको कहते हैं, कई बार प्री पब्लिशिंग रिव्यू जिसको कहते हैं, उसके लिए कई बार किताबों की दुकानों से हमारा संपर्क होता है, उसकी वजह से किताबें आ जाती हैं। कई बार सोशल मीडिया पर हम लोग लगातार किताबों के बारे में लिख रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी किताबें हमारे पास लेखक भेज दिया करते हैं, लेखक दोस्त भी होते हैं, तो दोस्तों को किताबें तो भेजी ही जाती है ना, तो उसमें हमारे पास किताबें आ जाती हैं। इन सारी किताबों को हम लोग पढ़ते हैं? नहीं भाई, सारी की सारी किताबें पढ़ नहीं पाते। तो शायद हमारे जो इनामी पक्षकार महोदय हैं उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, तो उन्होंने जो वो 16 दिन नाम की किताब उठाई, उसे उन्होंने उठाकर दिखाया, और संभवतः उन्हें ये किताब इसलिए पसंद आई होगी क्योंकि उस किताब की शुरुआत पर, मतलब जो कवर पेज होता है, उस पर नेहरू की एक बड़ी प्रसिद्ध सी तस्वीर है। इस तस्वीर के पीछे भी एक कहानी है, मगर वो कहानी हम लोग फिर कभी देखेंगे। ये जो नेहरू के बारे में लिखी गई किताब है, ये कोई नेहरू की तारीफ करती किताब नहीं है। ये किताब दरअसल ऐसी है जो हमारे इनामी पक्षकार महोदय का जो तर्क था, शुरुआती तर्क, उसे जड़ों से खोखला कर देती है। अब क्या है कि शुरुआत में इनामी पक्षकार महोदय जो है वो कहते रहते हैं कि भैया इतिहास तो आपने पढ़ा नहीं, आपके जो भी अच्छे बच्चे थे जो पढ़ाई वगैरह में अच्छे थे उनको इंजीनियरिंग मेडिकल करने भेज दिया ताकि उनको दहेज अच्छा मिले। तो भाई ऐसा है कि ये जो डायलॉग था ना, ये नेहरू का ही था। नेहरू जी ने ही कहा था कि तुम मुझे साइंस ग्रेजुएट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। मतलब कुछ कुछ उसी तर्ज पे जैसा एक बड़े नेता हमारे जो थे, बोस नेताजी, उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और करीब करीब वैसे ही कुछ कहा था आजादी के थोड़े समय बाद नेहरू ने कि आप मुझे साइंस ग्रेजुएट दीजिए और मैं साइंस ग्रेजुएटों को नौकरी दूंगा, मैं विज्ञान से स्नातक की पढ़ाई कर चुके लोगों को नौकरियां दूंगा, ऐसी कुछ बात उन्होंने की थी। और इसके बाद से ही विज्ञान के स्नातकों की गिनती बहुत तेजी से लगातार बढ़ती रही। जहां तक हिंदी और अंग्रेजी का सवाल है, तो जितने समाजवादी नेता हुए हैं विशेषकर बिहार में, कर्पूरी ठाकुर तक के, उन सबका इस बात पर दबाव रहा कि अंग्रेजी को शिक्षा से हटा दिया जाए। इसलिए आप देखेंगे कि 80 के दशक तक बिहार से IAS वगैरह उतने होते नहीं थे। 80 के दौर तक जो था वो IAS की जो परीक्षाएं होती थी वो अंग्रेजी में होती थी, और अंग्रेजी बिहार के लोगों ने पढ़ी नहीं होती थी, तो बिहार के लोग उतने ज्यादा IAS की परीक्षा में सफल नहीं होते थे। लेकिन जब ये हिंदी में होने लगी, दूसरी भाषाओं में भी होने लगी, तो उसके बाद से अचानक बिहार के लोगों की गिनती IAS की परीक्षाओं में, भर्ती परीक्षाओं में जो होती हैं उसमें बहुत ज्यादा बढ़ गई।
तो हम लोग समाजवाद को छोड़कर वापस चलते हैं नेहरू पर। तो नेहरू के बारे में जो ये कह रहे थे कि बड़े लिबरल थे, तो ये किताब जो होती है ना, ये किताब उस तर्क को बिल्कुल पूरी तरह से खोखला कर देती है, उसकी जड़ें ही खोद डालती है। खोद इसलिए डालती है कि शुरुआती जो दिन, जिन दिनों की ये किताब बात कर रही होती है, उन दिनों में हो क्या रहा था। उन दिनों में जो संविधान लागू हुआ था ना, उसमें शुरुआती संशोधन हो रहे थे, और हमारे संविधान के, भारतीय संविधान के जो शुरुआती संशोधन है, उसमें से जो सबसे बड़ा संशोधन होता है वो होता है आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 पर, जिसे आप कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने का काम नेहरू ने बिल्कुल शुरुआती संशोधनों में किया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि एक पत्रकार महोदय थे दक्षिण भारत के, उन्होंने कहा कि भैया नीतियों में कुछ खराबी है, नेहरू की नीतियों को उन्होंने कोस दिया, और इस पर नेहरू ने उन पर जब मुकदमा किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, तो वो छूट गए। तो अब भाई जरूरी था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला जो क्लॉज है उसको थोड़ा सा बदला जाए, उस अनुच्छेद में थोड़े से परिवर्तन किए जाए, तो संशोधन उसमें कर दिए गए। संशोधन उसमें करने के बाद कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो गिरफ्तारी हो सकती है। अच्छा, यहां ये भी ध्यान रखने की बात है कि ये जो अधिकार दिए गए, ये जो खास चीजें दी गई हैं संविधान में अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 के अंतर्गत, वो आम आदमी और पत्रकार के लिए बिल्कुल बराबर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि पत्रकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिक मिलेगी और आम आदमी को, मेरे जैसे किसी साधारण आदमी को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कम मिलेगी। दोनों को एक बराबर मिली हुई है। तो जो पत्रकार बोल सकता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत, वो चीजें मैं भी बोल सकता हूं, या जैसे वो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रखता है वैसे ही मैं भी अपने पास संवैधानिक अधिकार यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रखता हूं। हम लोग थे नेहरू पे, और नेहरू ने एक ही बार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए संविधान में संशोधन किए हों, ऐसा नहीं है। एक बड़े प्रख्यात गीतकार थे, उन्हें करीब करीब 2 साल तक जेल में डाल दिया गया था। जेल में इसलिए डाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने कविता लिख दी थी। कविता क्या लिखी थी भाई? कविता बड़ी अजीब सी थी, उसमें नेहरू जी की तुलना जो थी वो हिटलर से कर दी गई थी, और नेहरू जी की तुलना हिटलर से करने पर उन्हें जेल जाना पड़ा था। कविता कुछ ऐसी थी जिसमें लिखा हुआ था, ये कोई हिटलर का चेला, मार लो साथी जाने ना पाए। तो कविता आप देख सकते हैं। इस कविता के लिए कवि महोदय को और गीतकार महोदय को, कई विख्यात गीत इन्होंने लिखे हैं, इन्हें कई साल जेल में गुजारने पड़े। अब ये जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो करीब करीब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो आपको ऐसे ही मायनों में ली जाती दिखेगी। एक पक्ष की आवाज जो होती है वो सुनाई देती है वहां पर, दूसरे पक्ष की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है उसे वो गायब कर देते हैं। जो किताबें हमारे इनामी पक्षकार महोदय दिखा रहे होते हैं उनमें वो आपको दिख जाएंगी, एक ही पक्ष की किताबें हैं, आपको गलती से भी जे साई दीपक की किताबें नहीं दिखेंगी, गलती से भी विक्रम संपत की सावरकर पर लिखी हुई किताबें नहीं दिखेंगी। जो किताबें आपको दिखेंगी वो एक ही पक्ष की किताबें हैं, साइलेंट कूप जैसी किताबें हैं, वो आपको आसानी से नजर आ जाएंगी, तो वो आप देख सकते हैं। जहां तक लेखकों वगैरह को बुलाने इत्यादि का प्रश्न है, तो लेखकों को बुलाने वगैरह में भी आपको यही दिखेगा। कभी भी यहां पर आपको जो लज्जा नाम की किताब लिखने के लिए विख्यात है, तस्लीमा नसरीन, वो आपको यहां नहीं दिखेंगी। हाल में ही एक आतंकी हमले का शिकार हुए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले का शिकार हुए, वो आपको यहां नहीं दिखेंगे। सलमान रुश्दी जैसे लेखक वगैरह जो होते हैं, वो सारे लेखक आपको जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में नहीं दिखेंगे। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कुछ खास किस्म के लेखकों को ही बुलाता है। एक और चीज जो आपको यहां दिख जाएगी वो ये भी है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में जो रखी हुई किताबें आपको इनामी पक्षकार महोदय दिखा रहे हैं उसमें दिल्ली की किताबें तो हैं, दिल्ली पर लिखी गई कई किताबें हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जो भी राजस्थान की जगह हैं उन पर लिखी गई कोई किताब आपको नजर नहीं आती है। इतने पर आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमने शुरू में ही क्यों कहा था कि दुर्घटनाएं 2 तरीके से हो सकती हैं। तो एक दुर्घटना वो होती है जिसमें गलती किसी और की हो, मान लीजिए टीवी पर कुछ चल रहा था, हम वहीं बैठे खाना खा रहे थे या वहां से गुजर रहे थे और मेरी निगाह उस पर पड़ गई, तो इसे दुर्घटना कहते हैं कि भैया दुर्घटनावश आपने वो चीजें देख ली। यहां हमने
बकायदा खुद कोशिश की थी, खुद लिंक पर क्लिक किया था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया था हमारे पास और उसे देख लिया। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया हुआ जो ये प्रोफेसर साहब का, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आई हुई इस चीज से जो नुकसान हुआ वो हम अकेले क्यों झेलते, तो जो नुकसान हुआ उस नुकसान में हमने आपको भी शामिल कर लिया है। उम्मीद है इससे हमारा नुकसान जो होगा वो थोड़ा घट गया होगा, घट नहीं गया होगा एग्जैक्टली, बंट गया होगा। अब दो चार पांच लोगों में बंट जाए तो खुद पर असर थोड़ा कम होता है ना, तो हमने वही किया है। अगली बार किसी और कहानी के साथ किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और हाँ किताबें पढ़ते रहिएगा।